मुझे ना बस उस डॉक्टर को देखना है। इतनी जल्दी तुम बिजनेस पार्टनर से दोस्त भी बन गए, दोस्त से हमराज भी बन गए, और क्या चाहिए? दोस्तों हम बन गए हैं फरहान, लेकिन जब तक तुम्हारी फैमिली मुझे नहीं अपनाती तब तक मेरा मिशन अधूरा रहेगा। रब दिला विच रहे। फरहान? हाँ मैं। कब से कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे मेरा। तो जरूरत क्या है फोन करने की? मुझे टेंशन हो रही है ना खाला, पता नहीं घर पहुंचे या नहीं पहुंचे। पहुंच गया होगा, तुम परेशान मत हो। ठीक है, कॉल नहीं उठा सकते लेकिन मैसेज का तो जवाब दे सकते हैं ना वो मुझे। अरे कर लेगा मैसेज भी। और तुम जाओ जरा देखो नुसरत को, उसे छोड़कर यहाँ खड़ी हो। जाओ देखो उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मैं भी आती हूँ, वही जरा नमाज पढ़ लो। मैं भी देखती हूँ कब तक फोन नहीं उठाते मेरा। ये गलत है, फरहान से ज़ेन के शौहर हैं। जैसे वो बड़े भैया की बीवी वैसे आप भी हैं। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसके लिए अपने आप को इल्जाम देना छोड़कर बड़े भैया की जिंदगी में जगह बनाए। या अल्लाह, मैं क्यों इतनी खुदगर्जी से सोच रही हूँ।
इतने चेंज नहीं क्या? आप ऐसे सो गए थे? फरहान रहने दें प्लीज। मैं अपने कमरे में होऊंगा। अगर दोबारा लाइट गई तो डरने की जरूरत नहीं। ओके, आप सुने? आप आज यही रुक जाए। ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? हाला घर चलें। चलते हैं, पहले नाश्ता तो कर लें बेटा। घर पे ही नाश्ता कर लेंगे, प्लीज खाला चलें। लेकिन जरीब, मुझे फरहान के पास जाना है खाला। चलते हैं बेटा, लेकिन इस हुलिये में नहीं। जाओ, जाकर पहले चेंज करो और मैं नुसरत को भी बता दूं। बेचैन गई मेरी बच्ची सारी रात, सोई नहीं एक लम्हे को भी। उठ उठ कर टाइम देखती थी कब सुबह हो और मैं अपने घर जाऊं। लेकिन उसे तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। अगर फरहान वहां नैनतारा के पास रुका है तो उसने कुछ गलत तो नहीं किया। समझाया था आपा, आप भी ठीक कह रही है, वो भी ठीक है। बस आपा, मेरी बच्ची का वक्त ही खराब चल रहा है। जो इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा नुसरत उसके साथ। हम सब जरी का, उसकी खुशी का ख्याल रख तो रहे हैं, फिर क्यों इतना महसूस कर रही है वो? मानती हूँ आपा, आप सब लोग बहुत अच्छे, लेकिन किस्मत ने मेरी बच्ची की गोद सूनी रख कर बहुत बुरा किया। नहीं देख सकती मैं उसका ये काम, नहीं इससे बर्दाश्त होता आपा।
क्या हो गया नुसरत, बेकार में इतना जज्बाती हो रही? बेकार में जज्बाती नहीं हो रही आपा, मुझे तो इस बात से डर लग रहा है कल कला को सरहान अंतरा के इतने करीब हो जाता है कि मेरी जरी को भुला देता है। जरी उसका पराया होना तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेगाना पढ़ने आप, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जरी को और दुखों के हवाले ना करें। कैसी बातें कर रही हो नुसरत, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मां हूं ना आपा, अपनी बच्ची का गम बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं देख सकती उसको इस हाल में मैं। चले खाला। हाँ चलो, अपना ख्याल रखना नुसरत। मैं अपना ख्याल तब रखूंगी, क्या आप इसका ख्याल रखेंगी जरी का? अम्मा आप परेशान मत होइएगा, ख्याल रखिएगा। चलिए खाला, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। सोच के रही हूं पहन लो। रख क्यों रही हो? वो अच्छा नहीं लगेगा। बुरा क्या? लेने दो फरहान। तुम लेने दो और ये सोचना छोड़ दो कि किसको क्या बुरा लगता है। ऐसे क्या देख रही हो? प्लीज ऐसे ना देखा करो जैसे तुमसे शादी करके मैंने तुम पे कोई बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान ही तो किया है आपने मुझ पर, मुझे और मेरे किरदार को बर्बाद होने से बचाया है आपने, लोगों की नजरों में मेरा खोया हुआ मुकाम वापस दिलवाया है आपने। ये अगर एहसान नहीं है तो फिर क्या है? प्लीज अपने दिमाग से फजूल बातें निकाल दो, अगर वैसे जीव जैसे तुम जीना चाहती हो तारा। रब्बा मेरे हाल दम हैरम तू, आ मुझे पार लगा दे तू। ओ रब्बा मेरे हाल दम हैरम तू, इश्क दा जहर चखा दे तू। रानी होगी मैं इतना देखती हूँ। क्या
फैमिली का मम्मी। आप जानकर मुझे छोड़कर आए ना फरहान? मैं तुम्हें छोड़ के नहीं आया था, तुम खुद रुकी थी। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं आई थी आपके पीछे आपके साथ जाने के लिए, लेकिन आपको आपको सिर्फ नैनतारा की फिक्र संवारती। वैसे वही एक आपकी बीवी है। हाँ है वो मेरी बीवी है, मुझे उसकी फिक्र। खाला देखिए किस तरह मुझसे बात कर रहे हैं। मैं तो कुछ हुई नहीं ना इनके लिए, सिर्फ नैनतारा ही है। अब अम्मी के सामने मजलूम बन के क्या साबित करने की कोशिश कर रही हो? कुछ भी साबित नहीं करना चाह रही, मैं तो कुछ हुई नहीं ना। क्या हो गया तुम्हें? मेरी भाभी मुझे कसूरवार समझती है। बात कसूर या बेकसूर की नहीं है, वो बीवी है तुम्हारी। तुम प्यार से बात कर सकते हो, आराम से समझा सकते हो उसे। बेटा वो बहुत टूट चुकी है, उसके जब्त और सबर का इम्तिहान मत लो। मुझे अम्मा के घर जाना है। कोई जरूरत नहीं वहां जाकर माँ को परेशान करने की। और बेटा तुम कोई बच्ची नहीं हो जो जरा जरा सी बात पर तुम्हें माँ की जरूरत पड़ जाए। तो और क्या करूं मैं? फरहान ने जिस तरह मुझसे बात की है उसके बाद मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी सब? तुम खाम खा जज्बाती हो रही हो, वरना इतनी बड़ी बात नहीं है बेटा। किसी और औरत की वजह से वो मुझ पर आंखें निकाल रही है और आप कह रही हैं कि बड़ी बात नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा, तुम दरगुजर से काम लेना सीखो बेटा। दरगुजर करते करते नौबत यहाँ तक पहुंची है कि वो बहाने ढूंढते मुझसे दूर होने के और उसकी वजह से मुझे इग्नोर करते। पागलपन की बातें मत करो, ये मियाँ बीवी का रिश्ता है, कोई गुड्डी गुड्डे का नहीं। और बेटा तुम समझदारी से काम लो, हालात से लड़ने की बजाय हालात के साथ समझौता करो। और यहाँ फरहान गलत नहीं है, गलत वो तब होता जब तुम दोनों में से किसी एक की साइड लेता, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। बस खाम खाम में बात का बतंगड़ नहीं बनाते बेटा, ठीक हो जाएगा सब। मैं हूं ना, चुप हो जाओ। अच्छा तो दोस्त थे तुम दोनों? नैनतारा यूनिवर्सिटी में मेरी जूनियर थी, अक्सर आते जाते हेलो हाय हो जाया करती थी हमारी। कभी हाय हेलो से आगे बात नहीं बढ़ी? रब दिला विच नैनतारा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? जरी की तो आदत ही ऐसी है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने आपसे शादी का फैसला करके बहुत गलत किया है, अपने साथ साथ आपको भी मजीद मुश्किलात में डाल दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्लीज ये तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो।
डोंगरी मैं मना लूंगा जरी को, अभी नहीं लेकिन देखना शाम तक उसका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ओके मैं ऐसा करता हूँ कि ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ, तुम तब तक प्लीज मैं नाश्ता बना दूँ। जी हर बार मुझे ही क्यों बहाना बनाना पड़ता है फरहान को अपनी तरफ करने के लिए, कभी हाँसू को हथियार बनाकर तो कभी खाला के आगे मसलूम बनकर, लेकिन मैं कुछ भी कर लूं फरहान मेरी तरफ हो नहीं पाते और नयनतारा कुछ किए बगैर मेरे किए पे पानी फेर देती है। फरहान दूर से बंदी पतंग की तरह उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। अम्मा मैं कुछ भी कर लूं नयन तारा के हाथ में पकड़ी उस डोर को काट नहीं सकती। कटेगी, उसकी भी डोर कटेगी, तू देखना। बस तू अल्लाह पे भरोसा कर, सबर कर मेरी बच्ची, तू दिल अपना छोटा ना कर। माँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, जब जब सोचती हूँ मेरी दिमाग की रगे फटना शुरू हो जाती हैं। सबर कर मेरी बच्ची, तेरा सबर ही उस पे पड़ेगा और वो कहीं की नहीं रहेगी। मुझे तो लगता है कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। सरी तुझे क्या हो गया, तू उसके सामने क्यों अपनी हार मान रही है? जिसके लिए लड़ना था वही आपका नहीं रहे तो कतर में हार ही होती है। हेलो हेलो सरी, हेलो फोन ही बंद कर दिया। तुम कब आई? काफी देर हो गई है जी, बेगम साहिबा के पास थी मैं। घर में कोई बात हुई है क्या? बेगम साहिबा का भी मूड ऑफ है और आप? अच्छा तो ये वजह है माहौल में गर्मी की। तुम फिर अपने अंदाजे लगाना शुरू हो गई ना? नहीं भाभी जी, मैंने पहले भी कहा था मैं अंदाजे नहीं लगाती, आपके अंदाज से खबर हो जाती है मुझे। ये भैया जी ने दिया है ना, बहुत प्यारा है। जरीन भाभी तो जल गई होंगी ना। ये क्या तरीका है? और तुम बजाय से रोकने के टोकने के साथ शुरू हो गई। नहीं बेगम साहबा वो तो मैं बस, ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है, जल्दी से नाश्ता बनाओ और लगाओ टेबल पर। रहमान मुझे सारे डिटेल्स मेल पे चाहिए, ठीक है? और सीसी में फरहान को भी मेंशन कर देना, सारी डिटेल्स, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ओके आप जा सकते हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह कुछ दिन तक मार्केट में सिर्फ हमारा नाम होगा। इमेजिन अगर एक्चुअल में ऐसा हो गया तो? ऐसा हो गया तो तुम फिर से ट्वीट का कहके भूल जाओगे फरहान, जैसे अपने घर पे बुलाने का वादा करके भूले। I'm really sorry, मैं भूला नहीं था। Actually बस कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि घर पे बताने का मौका ही नहीं मिला। But I promise you, आज तुम डिनर मेरे साथ करोगे मेरे घर पे। आज आधा दिन गुजर चुका है फरहान। हाँ तो भी आधा दिन गुजरा है, आधा दिन बाकी भी तो है ना। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ क्या खाना पसंद करोगे? मुझे जो पसंद है वो तो मुझे दे नहीं सकते। क्यों भाई, ऐसी कौन सी डिश पसंद है तुम्हें जो आधे दिन में नहीं बन सकती? फिर कभी बताऊंगा, आज मैं तुम्हारे रहम करम पे हूं, जो खिलाओगे खा लूंगा। ऑलराइट परफेक्ट, जस्ट अ मिनट फरहान। श्योर, मैं भी चलता हूं। सी यू। या श्योर श्योर। हेलो।
जी। अरे बेटा, इतना कुछ उठा ले, किसी की दावत है क्या? जी अम्मी, दावत ही है। रानी, एक काम करना, ये सारा सामान किचन में ले जाओ और नयन तारा से कहना कि शाम को मीठे में कुछ अच्छा समझाए। कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? हाँ, मेरा एक बहुत खास दोस्त आ रहा है, और प्लीज कोशिश करना कि उसकी खातिर तबाजों में किसी किस्म की भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी बड़े भैया, मैं भी भाभी जी से कह देती हूँ। अरे बेटा, अगर किसी की दावत ही करनी थी तो कुछ दिन ठहर जाते। सुबह जो कुछ घर में हुआ है देखा नहीं, सब एक दूसरे से कैसे कटे हुए हैं, सबके चेहरे उतरे हुए। किसी का मूड नहीं उतरा, सिर्फ जरी का ही मूड खराब है, और उसका मूड मोस्टली ऐसा ही रहता है, इसलिए उसे तो छोड़ ही दे। छोड़ने का सोचना भी मत। नहीं, मैं वैसे छोड़ने की बात नहीं कर रहा था, और ना ही मैं ऐसे कभी कोई बात करूंगा, आप जानती हैं मुझे अच्छे तरीके से। अच्छा सुनो, वो बेवकूफ है, जज्बाती है, कुछ भी ऑल फॉल बक देती है वो, लेकिन तुम तो समझदार हो, कुछ एहसास किया करो उसका। अब बेफिक्र है, मैं मना लूंगा उसे। अभी तक ऐसी बैठी हो, तैयार नहीं होगी? मेरे तैयार होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, अपने नयनतारा काफी है ना। मैंने अपने बिजनेस पार्टनर को फैमिली डिनर पे इनवाइट किया, तो मेरी फैमिली तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं हो सकती। प्लीज गेट रेडी ऑन टाइम। फरहान, मुझसे प्यार तो करते हैं ना, मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? कभी नहीं। तुम्हारी चिख चिख की तो आदत होगी, अब मुझे रह ही नहीं सकता उसके बगैर। अच्छा प्लीज टाइम पे तैयार हो जाना, ओके? वो शाम को आ जाएगा। ओके। रानी, सैलेड रख दो ये टेबल पे जाके, ये लो। ठीक से रखना, ठीक है? टिश्यूज वगैरह भी देख लेना, वहां पर सब चीजें हैं। आज तो बहुत अच्छी लग रही है। मूड ठीक हो गया जहीरा? You know what? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है आज। वो क्या? अभी नहीं बता सकता, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वरना सारा मजा खराब हो जाएगा। Don't worry, जितना भी सोच लो वहां तक नहीं पहुंच सकती। कैसा लगा सरप्राइज? ये आपके लिए। अरे मैं क्या करूंगी, लेकर इन बच्चियों को दो। बच्चियां दो हैं अमी जी, और वो केक। आपको मेरा अमी जी कहना बुरा तो नहीं लगा? नहीं। ये आप ही रख लीजिए, लो, वरना दोनों में से जिसको ना दिया उसको बुरा लग जाएगा। देखिए अम्मी, बिल्कुल ऐसे ही है। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? बिलाल। डॉक्टर बिलाल? जी मैं डॉक्टर बिलाल ही हूँ, आपको कैसे पता? फरहान ने तो कहा था उसने किसी से डिस्कस नहीं किया घर में। अरे भाई सारी बातें क्या यहाँ खड़े खड़े ही कर लोगे, बच्चे को बिठाओ भी ना। सॉरी सर, आइए चलिए बैठिए।
श्योर। ये जरूर तुमने बनाया होगा। खाला आराम से। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? अम्मी ये दोनों मेडिकल कॉलेज में एक दूसरे के साथ हैं। अच्छा तो दोस्त थे तुम दोनों? नैनतारा मेरी जूनियर थी, अक्सर आते जाते हेलो हाय हो जाया करती थी हमारी। कभी हाय हेलो से आगे बात नहीं बढ़ी? अरे फरहान मैं तो ऐसी पूछ रही हूँ, अब नैनतारा इतनी प्यारी है, दोस्ती करने का दिल तो चाहता होगा ना? दोस्ती करने का दिल तो बहुत से लोगों का चाहता था, लेकिन नैनतारा कभी किसी को लिमिट से आगे नहीं बढ़ने देती थी। इसका ना कोई अफेयर सुना ना देखा, गायब हुई तो डायरेक्ट शादी। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दुख हुआ आपको इनके गायब होने से। तो सिर्फ मुझे नहीं, बहुत से लोगों को दुख हुआ था। अरे आप कबाब लीजिए ना, नैनतारा ने बनाए, दो जरा। काशी तू ऐसे टहलता रहेगा या बहन के लिए कुछ करेगा भी कि नहीं? अरे अम्मा जितना आसान आप समझ रहे इतना है नहीं, ये किसी को बर्बाद करना हलवा है क्या? उस बंदे का नाम सुनकर तो तू ऐसे उछला था कि बस काम हो गया। अरे अम्मा वो कोई आम ही बंदा थोड़ी है, उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, तो उसके लिए प्लान भी फिर पावरफुल ही होना चाहिए ना, वरना वो खुद भी बच जाएगा और नैनतारा को भी बचा लेगा। वहाँ तेरी बहन रो रो के अपनी जान दे देगी। अरे कब छुटेगी उस मनहूस नैनतारा से उसकी जान? अरे अम्मा अरे क्या आप ही को इतना हल्का लिया जो रो रो के जान दे देगी, वो जान लेने वालों में से है। किसका फोन है? आ गई कॉल आपकी बेटी की। हाँ आप हेलो। काशी बड़ी फजूल किस्म की जासूसी की थी तुमने। क्या हुआ मेरी जासूसी को? तुमने मुझे फिलहाल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। हाँ पूरी डिटेल दी तो थी, क्यों क्या हुआ? हुआ नहीं है, अब होगा। वही बिलाल फरहान का पार्टनर भी है। क्या आपको किसने बताया? बस अरे कुछ मुंह से बोलेगा भी फूटेगा, क्या हुआ है? सोया नहीं अभी तक? लाए मुझे दे दे। आपने तो बताया ही नहीं कि बिलाल भी आपका पार्टनर है। हाँ वो शुरू में मुझे ख्याल ही नहीं रहा, मैंने कहा ऑफिस की बात है क्या बताऊं, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद नहीं पता था कि हम इतनी जल्दी इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे। वो ऐसा ही है, बहुत जल्दी सबसे दोस्ती करता है। हाँ लेकिन मुझे हैरत है कि तुम दोनों अभी तक दोस्त कैसे नहीं बने। दोस्ती वो तो क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। नैनतारा तुम्हें पता ना कि तुम कोई भी बात मुझे बिना झिझक बता सकती हो, अब जब दोस्त का है तो मानो भी, बताओ क्या बात है? ऐसे कोई खास बात नहीं है, यूनिवर्सिटी डेज में उसने मुझे प्रपोज किया था, मैं बस इसीलिए नहीं बता रही थी क्योंकि अजीब सा लगता है और
आपको भी बुरा लगेगा। नहीं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? आपको बुरा नहीं लगा? नहीं तो। तुम्हारा फोन है, तुम चेक कर लो। मैं इसको संभाल रही हूँ ना, अभी रोना शुरू हो जाएगा, आप देख लें। बिलाल का मैसेज है, डिनर के लिए थैंक्स कह रहा है। लेकिन बिलाल के पास मेरा फोन नंबर कहाँ से आया? वो एक्चुअली जब अरसलान हॉस्पिटल में था तो मैंने उसी के नंबर से फोन किया था। खाला, आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? क्या अजीब सा नहीं लगा, किस बारे में बात कर रही हो? वही बिलाल और नैनतारा की दोस्ती ना होने वाली बात, आपको यकीन है इस बात पर? तुम कहना क्या चाह रही हो जरी? मैं कुछ कहना नहीं चाह रही, बस ऐसे ही सोच रही थी कि बिलाल का फरहान से मिलना और फिर बिजनेस पार्टनरशिप की बात करना, यहाँ घर तक आ जाना और प्रिटेंड करना जैसे उन दोनों के दरमियान कुछ है ही नहीं, इत्तेफाक नहीं लग रहा मुझे। अरे तो नहीं होगा ना, जब भी तो कह रही है। खाला, मुझे लगता है जो वो कह रही है ना वो पूरा सच नहीं है। अब आप खुद बताएं, कॉलेज में इतने सारे लोग होते हैं, हेलो हाय सबसे होती है, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद सब भूल भाल जाते हैं। याद वही रहता है जिसे ऐसी कोई बात की हो जो याद रह जाए, या फिर उसकी कोई आदत जो इतने टाइम गुजरने के बाद भी भूली ना जाए, है ना? साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो। खाला, मुझे ऐसा लगता है कि बिलाल का यहाँ ना कोई इत्तेफाक नहीं है, जरूर दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती है। का और शोहर का लिहाज कर लिया, वरना वहां बैठे बैठे तुम पे गजल कहने को दिल कर रहा था। शादीशुदा हो गई हूँ मैं, अब लाइन मारना बंद करो मुझ पे, समझे? रब दिला